رحم الله من قرأ الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على أذان محترم سورہ احزاب کی 33 آئے شریفہ کے ضمن میں بیان آپ سماعت فرما رہے تھے اور آج اسی آئے شریفہ کے ضمن میں چند باتیں اس عظیم الشان امام سے متعلق آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک پہنچانا ہے کہ جن کی ولادت باسعادت کی آج شب ہے، جن کو اللہ رب العزت نے زین العابدین قرار دیا ہے. اللہم صل علی محمد و علیہ. میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ بات عرض کر دوں کہ ہمارے امام کے القاب میں ایک لقب زین العابدین ہے اور دوسرا لقب سید الساجدین ہے. زین العابدین یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت، سید الساجدین یعنی سجدہ کرنے والوں کے سردار. اس کے معنی ہے کہ ہمارے چوتھے امام نے جو عبادتیں کی ہیں وہ بے مثال ہیں اور جو سجدے کیے ہیں ان کی کوئی نظیر نہیں ہے. اور اسی بنا پہ اللہ رب العزت میدان محشر میں جس موقع پر اولین و آخرین جمع ہوں گے آواز دے گا کہ اَيْنَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ وَأَيْنَ سَيِّدُ السَّاجِدِينَ، کہاں ہیں زینت ان لوگوں کی جو عبادت کرتی ہیں اور کہاں ہیں وہ سردار کہ جو سجدہ کرنے والوں کی ہیں. ایسے موقع پر جہاں جناب آدم سے لے کر آخری نبی تک سارے انبیاء موجود ہوں گے، سارے اولیاء، سارے رسول موجود ہوں گے،
वहां पर उस मैदान महशर में अगर कोई अपनी जगह से बुलंद होकर आवाज देंगे तो हमारे और आपके चौथे इमाम इमाम सज्जाद अलैहि सलातो व सलाम होंगे। आइए मैं आपको लेके चलूं जिस आये शरीफा को मैंने आपके सामने पेश किया है। ये आये शरीफा अहले बैत अतहार की तहारत को बयान कर रही है। मैं अपने मौजू से कभी बाहर नहीं जाता, लेकिन इस आये शरीफा का ताल्लुक हमारे आका और मौला से, जिनकी आज शब विलादत है, उनसे क्या ताल्लुक है, ये मुझे आपकी खिदमत में अर्ज करना है और फिर अगले मरहले की तरफ आपको लेके आना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आये शरीफा को नाजिल फरमाया उस मौके पर कि जब अभी हमारे चौथे इमाम इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। कुछ तवज्जो फरमाई, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। ये सन 10 हिजरी कमरी में अल्लाह ने आये तत्हीर को नाजिल फरमाया और हमारे आका और मौला के जिनकी शबे विलादत है उनको परवरदिगार आलम ने सन 37 हिजरी कमरी में दुनिया में भेजा है, यानी पूरे पूरे 27 साल का फासला है। इसके बावजूद इस आये शरीफा से हमारे आका और मौला का खास रिश्ता है। वो रिश्ता आप सुनेंगे। जिस मौके के ऊपर इस आये शरीफा को अल्लाह को नाजिल करना है उस मौके के ऊपर अल्लाह ने क्या फरमाया था, अब कुछ थोड़ा सा आप भी बोलिए और फिर मैं भी, चूंकि आज शबे विलादत है थोड़ा बहुत आपको भी बोलना है। अल्लाह ने उस मौके पर जब एक चादर में पंजतने पाक जमा हो गए आवाज दी, एहलमू या मलाइकती, ऐ मलाइका जान लो, वसुकान समावाती, और आसमानों पर जिंदगी गुजारने वालों सब सुन लो। क्या सुन लो? इन्नी मा खलक तो समा अम्मबनिया, मैंने इस आसमान को नहीं पैदा किया, वला अर्दम मदहिया, और इस जमीन को नहीं बिछाया, वला फलकें यदूर, वला बहरें यजरी, वला फुलकें यसरी, न तो मैंने समंदरों में कश्तियों को दवा दवा किया, न मैंने आसमान पे फलक को करार दिया, न मैंने समंदरों में पानी को करार दिया, इल्ला फी मोहब्बत हाउला इल खमसा, इन चादर में मौजूद हस्तियों की मोहब्बत में। और ये आए ये जुमला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया उसी मौके पर जनाब जिब्रील अमीन ने आगे बढ़ के पूछ लिया कि या रब्बे वमन तहतल के था, ए मेरे परवरदिगार इस चादर में कौन लोग हैं। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या माज अल्लाह जनाब जिब्रील अमीन वो बात कह सकते हैं कि जो गलत हो? मुमकिन ही नहीं है, फरिश्ता है, वहां के ऊपर झूठ का कोई सवाल ही नहीं। तो अगर वो गलत नहीं कह सकते तो इस चादर में मौजूद वो किसको नहीं पहचानते? या रब वमन तहतल के साथ, ए मेरे परवरदिगार चादर में कौन जमा है, जनाब जिब्रील अमीन किसे नहीं पहचानते? अगर कहते कि रसूलुल्लाह को नहीं पहचानते तो आयते लेके किसके पास आए? अगर कहते अमीरुल मोमिनीन को नहीं पहचानते तो फिर जुल्फकार लेके किसके पास आए? अगर जनाब सैयदा के लिए फरमा दे कि उन्हें नहीं पहचान पाया तो फिर किसके घर में चक्की चलाने के लिए आए? अगर इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए कहते कि नहीं पहचान पाया तो फिर किसका झूला झुलाने आए? किसको नहीं पहचानते? सबको तो पहचानते हैं। तो फिर ये सवाल क्यों किया कि या रब्बे वमन तहतल के साथ, ए मेरे परवरदिगार इस चादर के नीचे कौन जमा है? शायद जिब्रील अमीन जवाब दे, मैं यही तो बताना चाह रहा हूं, मैंने उस अर्श की बुलंदी से जब देखा तो एक दफा सलवात दे दें आप। मैंने जब अर्श की बुलंदी से देखा तो मैंने देखा कि एक रसूल है जो सैयदुल मुरसलीन है, यानी सारे रसूलों के सरदार,
एक अजीम शान शख्सियत हैं जो सैयदुल मसीहीन हैं, यानी अमीरुल मोमिनीन, सारे फसीयों के सरदार। मैंने जब सैयद आलमियान को देखा तो वह सैयदतो निसाइल आलमीन हैं, तमाम आलमीन की औरतों की सरदार। मैंने जब इमाम हसन और इमाम हुसैन को देखा तो सैयदा शबाब अहलिल जन्नत थे, कि जो जन्नत के जवानों के सरदार। कुछ तवज्जो फरमाई, नबियों के सरदार, वसीयों के सरदार, कायनात की औरतों की सरदार, जन्नत के जवानों के दो सरदार। हे मेरे परवरदिगार, जब मैंने उस अर्श की बुलंदी से देखा तो देखा कि इतने सारे सादात जमा हैं, इतने सारे सरदार जमा हैं। मैंने जल्दी से अल्लाह से पूछा कि आज बेहतरीन मौका है, आज पता तो चल जाए कि सब तो परवरदिगार की बारगाह में सरदार हैं, सब तो अमीर हैं, सब तो सादात हैं, पता तो चले कि इन सरदारों का सरदार कौन है, पता तो चले कि इन सरदारों के बीच में सरदार कौन है। और अब जब अल्लाह जवाब देगा, मैं यहीं तक आपको ले आना चाह रहा था, अब जब अल्लाह रब्बुल इज्जत जवाब देगा तो ये जवाब बड़ा कीमती है। आवाज एक उतरत आई कि हम फातिमतो व अबूहा व बहलुहा व बनूहा, मिलजुल के सलवात दे दिया आप हजरात। अब यहां से मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, ये जो मैंने पूरी तमहीद तैयार की है वो इसी एक जुमले के लिए है, मेरी मेहनत जाया ना जाए। आवाज कुदरत आई के इस चादर में सैयदा हैं, उनके बाबा हैं, उनके शौहरे नामदार हैं और उनके, तर्जमे में कहा जाता है, उनके दो बेटे। जबकि अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि इस चादर में जनाब सैयदा के दो बेटे हैं। मैं ये जुमला क्यों कह रहा हूं, देखिए अल्लाह ने अगर इस दुनिया को खल्क किया है पंजतन पाक के लिए तो फिर रिसालत माब तो 11 हिजरी में रुसत हुए, लेकिन पंजतन पाक में चार मौजूद हैं। जनाब सैयदा उसी साल दुनिया से रुसत हो गई, फिर भी पंजतन पाक में तीन मौजूद हैं। सरकार अमीरुल मोमिनीन 40 हिजरी में दर्जे शहादत पर फायद हुए, फिर भी अभी पंजतन पाक में दो बाकी हैं। 50 हिजरी में इमाम हसन मुश्तबा शहीद हुए, लेकिन फिर भी पंजतन पाक में एक बाकी है। 61 हिजरी में मैदान करबला में सरकार सैयद शुहदा शहीद हो गए। पंजतन पाक की आखिरी निशानी इमाम हुसैन, वो दुनिया से रुख्सत हो गए। दुनिया को खत्म हो जाना चाहिए या नहीं? आसमान बनाया पंजतन पाक के लिए, जमीन बनाई पंजतन पाक के लिए, ये चांद सितारे बनाए पंजतन पाक के लिए, ये पूरी कायनात बनाई पंजतन पाक के लिए, तो फिर 61 हिजरी में दुनिया को खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि करबला के असर आशूर के बाद भी दुनिया आज तक बाकी है। इसके माना है कि जो इस चादर में जमा है, अल्लाह ने दुनिया को उनके लिए पैदा किया है। अब ये जुमला मैंने क्यों कहा, उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने जब शनाख्त करवाई, पहचानवाया, इंट्रोडक्शन करवाया, तो ये नहीं कहा कि इस चादर में सैयदा के दो बेटे हैं, बल्कि ये फरमाया कि बनूहा। आप हजरात में से भी बहुत से ऐसे अफराद हैं कि जिनको अरबिक लैंग्वेज की वाकफियत है। आप जानते हैं कि अरबिक में एक वाहिद होता है, एक जमा होता है, जो उर्दू जबान और आपकी गुजराती में भी है, लेकिन अरबिक में एक डेल भी होता है, तस्निया भी होता है, जो दो के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इस चादर में सैयदा के दो बेटे हैं, बल्कि फरमाया बनूहा, सैयदा के सारे बेटे मौजूद हैं। कुछ तवज्जो फरमाई, इसके माना है जब तक ये नूर की शक्ल में चादर से बाहर थे ये पंजतन पाक थे, लेकिन जब चादर में जमा हो गए तो 14 मासूमी हो चुके हैं। सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अब आप तवज्जे हुए
इस आयत तफसीर का ताल्लुक मैदान करबला के बाद सरकार इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से है कि जिनके वजूद की बरकत है कि आज ये कायनात बाकी है। यहां तक आप मेरे साथ आ गए, आका यानी हमारे चौथे इमाम आपकी हयात तैयबा का एक बड़ा नुमाया पहलू है जिसको मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं और उम्मीद है कि आप तवज्जो देंगे। मैं आपके सामने इंट्रोडक्शन कराऊं चौथे इमाम का तो किसका जुमला होगा? मेरा होगा, कोई एतबार उसका? कोई एतबार नहीं। लेकिन अगर खुद चौथे इमाम अपना इंट्रोडक्शन करवाएं तो अब तो कोई मुश्किल नहीं है ना, इमाम मासूम है, खुद फरमा रहे हैं। कब फरमाया? जिस मौके पर इमाम जंजीरों में जकड़े हुए यजीद के दरबार में हैं, आपने उस मौके पे अपने को पहचानवाया। बड़ी तफसील है, मैं उस खुतबे में नहीं जाऊंगा। इमाम ने अपना तारुफ कराया, फरमाते हैं ओ हतीन सितन व फुद्दिल न बेसबईन, हमें छह चीजें दी गई हैं और सात फजीलतें हैं। किससे कहा जा रहा है? उस यजीद के सामने कहा जा रहा है कि जिसका दावा यह है कि इस्लाम की सारी फजीलतें हमारे पास हैं। इमाम ने उसी के दरबार में खड़े होकर बता दिया कि दावा करना और होता है, अल्लाह से फजीलतों को लेना और होता है। कौन इमाम का मुकाबला करेगा? इमाम ने आपको छह चीजें भाई नहीं थे, उस एक चीज की तरफ आपको लेके आना चाहे तो इमाम ने फरमाया कि अल्लाह ने हमें छह चीजें अता की हैं। कौन कौन सी? अल इल्म वल हिल्म वस समाहत वस शुजाहत वल फसाहा वल महब्बा फी कुलूबिल मुमिनीन। अल्लाह ने इल्म दिया है, अल्लाह ने हिल्म और सब्र हमको दिया है, अल्लाह ने हमें शहामत और सरबुलंदी दी है, अल्लाह ने हमें शुजाहत दी है। सारे घरानों में भागने वाले मिलेंगे लेकिन अहले बैत अथार के घरानों में फरार नहीं करार मिलेंगे। इमाम ने यजीद के सामने कहा शुजात हमारे घराने की है और आखिरी जुमला फरमाया वल महब्बा फी कुलूबिल मुमिनीन। तर्जमा सुनेंगे आप, मुमिनों के दिलों में अल्लाह ने हमारी मोहब्बत को रखा है। इमाम ने नहीं कहा कि इंसानों के दिलों में रखा है, इमाम ने नहीं फरमाया कि मुसलमानों के दिलों में रखा है, इमाम फरमाते हैं कि मुमिनीन के दिलों में रखा है। इसके माना है अगर अहले बैत अथार की मोहब्बत दिल में महसूस हो तो खुदा के शुक्र बजाना ये कि खुदा ने आपको मोमिन बनाया है। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अब आइए मैं आपको लेके चलूं, यही ठीक जुमला है कि जो किसने फरमाया है? हमारे और आपके सातवें इमाम, देखिए मैं मौजू से बाहर नहीं जा रहा हूं, सातवें इमाम इमाम मुंशी काजिम अलैहि सलातो वस्सलाम। हारून है कि जो मदीने आया है और रिसालत मां से उसका एक रिश्ता है, वो रिश्ता क्या है किसे पता है? हारून अब्बासी खलीफा है, अब्बास जनाब रिसालत मां के चचा हैं। इस रिश्ते की बिना पर उसने रिसालत मां को सलाम किया, कहता है अस्सलाम अलैका या अपना अम्मी, ए मेरे चचा के बेटे आप पर सलाम। पूरा मदीना है मौजूद है, किसी में हिम्मत नहीं है जो कुछ कह सके। अचानक इसी सन्नाटे में एक आवाज बुलंद हुई अस्सलाम अलैका या जद्दी। उसने कहा था मेरे चचा के बेटे, सातवें इमाम ने फरमाया कि मेरे चचा पर सलाम। कजिन ब्रदर दूर का है और जब करीब का रिश्ता है। सिपटा गया, घबरा गया। उस मौके पर उसकी गुफ्तगू है, मुझे उस तफसील में नहीं जाना है। उसने एक बात कही इमाम से, कहता है कि मैंने सुना है कि आप लोगों से छुप छुप के बयात लेते हैं, आप लोगों से कहते हैं कि मैं हाकिम हूं। मौला ने कहा हमें इसकी जरूरत नहीं है।
तुम अगर ये सोचते हो कि लोगों से हमें बैत लेने की जरूरत है तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है, हम लोगों से बैत नहीं लेते। और उस पर मौला ने जुमला फरमाया, फरमाते हैं कि हमने और तुम में फर्क है, अंता इमामुल जुसूद व अना इमामुल कुलूब। तुम लोगों के जिस्मों पे हुकूमत करते हो, हम लोगों के दिलों के इमाम हैं। सलाम आते थे मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले बैत अतहार की मोहब्बत को दिलों में रखा है और अहले बैत अतहार दिलों के इमाम हैं। क्यों? ये हमारे सामने बच्चा बैठा है, घड़ी लगाए है, ये घड़ी कितनी देर आपके हाथ पे रहेगी? अभी ये महफिल से उठ के घर जाएंगे, घड़ी उतार देंगे, उतारेंगे नहीं उतारेंगे? चश्मा लगाए हुए हैं, कितनी देर रहेगा? जब तक ये बिस्तर पे लेटे नहीं चश्मा पहने रहेंगे। बिस्तर पे लेटेंगे तो क्या करेंगे? उतार के रख देंगे। सॉक्स पहने हुए हैं, ये सॉक्स कब तक रहेगा? जब तक महफिल में है सॉक्स जिस्म पे रहेगा, घर पहुंचेंगे जिस्म से जुदा हो जाएगा। ये टी शर्ट आप पहने हैं, ये कब उतारेंगे? मैंने इसी तरह से एक मजमे में एक बच्चे से पूछा, कब उतारोगे? उसने कहा परसों उतारेंगे। तो आप परसों तो नहीं उतारेंगे ना, आप आज ही घर पहुंचेंगे, उतार देंगे, कुछ और पहन लेंगे। लेकिन सुबह जब स्कूल जा रहे होंगे तो फिर कुछ और पहन के जाएंगे, है या नहीं? जो चीजें इंसान के जिस्म से मुताल्लिक होती हैं वो बदलती रहती हैं। पिछले साल इसी महफिल में आप आकर बैठे थे, कोई और कपड़ा पहने थे, आज कुछ और पहने हैं। पिछले साल कोई और मोबाइल था, इस साल कोई और मोबाइल आपकी जेब में है। पिछले साल कोई और शूज इस्तेमाल कर रहे थे, इस साल कोई और शूज है। क्यों? जो चीजें जिस्म से मुताल्लिक होती हैं वो वक्तन फवक्तन बदलती रहती हैं, लेकिन जो चीज दिल में होती है, आपकी उम्र है शायद मुमकिन है 6 साल 7 साल की, 10 साल की उम्र है, आप इंशाल्लाह 100 साल जिंदा रहें, आपके दिल में मां बाप की आज जो मोहब्बत है वो 100 साल के बाद भी रहेगी, बदल जाएगी? बदलेगी? नहीं बदलेगी। जितना बदला बैठे आप पूछ लीजिए, जो मोहब्बत आपके दिल में आज से 50 साल पहले थी वो आज भी है। क्यों? इसलिए कि जो चीजें बदलती हैं वो जिस्म वाली होती हैं, जो ठहरी रहती हैं वो दिल वाली होती हैं। अल्लाह ने अहले बैत की मोहब्बत को दिल में रखा है। मैं इस मजमे की बात नहीं कर रहा हूं, आप चले जाइए मुसलमानों के किसी फिरके के किसी भी आदमी को पकड़ के पूछ लीजिए कि बताओ तुम्हारा 10वां खलीफा कौन है, बताएगा? नहीं बताएगा। तुम्हारा 25वां खलीफा कौन है? नहीं पता उसको। क्यों? इसलिए कि वो तो कब के दुनिया से चले गए, खत्म हो गए, अब तो कोई नाम भी नहीं लेता। लेकिन हमारी कौम के एक बच्चे से पूछ लीजिए कि 7वें इमाम कौन है, 4थे इमाम कौन है, पहले इमाम कौन है। भाई इस बच्चे को ये इमामों के नाम क्यों याद है? बताहिर तो वो दुनिया से चले गए। क्या नहीं, ये इमामत है दुनिया से चले जाने के बावजूद खत्म नहीं होती है। जब तक अकीदा है, अकीदे इमामत में आइम्मा अथार शामिल रहेंगे। अल्लाह ने इसीलिए इमाम की मोहब्बत को दिल में रखा है, जिस्म के हवाले नहीं किया है, आंख के हवाले नहीं किया है, जबान के हवाले नहीं किया है। मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में, जो चीजें अल्लाह ने दी हैं वो अकीदे में दिल में रखा है। इन्नल्लाह जअला हुब्ब अलीन फी कुलूबिल मुमिनीन। हुज़ूर अकरम ने फरमाया कि अमीरुल मुमिनीन अली की मोहब्बत को अल्लाह ने मोमिनों के दिलों में रखा है, एक हदीस। दूसरी हदीस फरमाया कि इन्ना लिकत्लिल हुसैन हरारा फी कुलूबिल मुमिनीन। इमाम हुसैन की शहादत से मोमिनों के दिलों में गर्मी पैदा होगी। तीसरी हदीस सुनिए, फरमाया इदा अराद अल्लाह बिअब्दिन खैरा कज़फ़ा फी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन।
खुदा जब किसी बंदे के साथ नेकी करना चाहता है तो उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत को रखता है। और फरमा रहे आप, जितनी भी मोहब्बतें अल्लाह ने रखी हैं वो दिल में रखी हैं, जबान को क्यों नहीं दे दिया, आंख को क्यों नहीं दिया, कान को क्यों नहीं दे दिया, क्या अच्छा होता। मोहब्बत अमीर मिनीन जबान पे होती हर वक्त अली अली कहते, कान के हवाले कर देता परवरदिगार हर वक्त अमीरुल मोमिनीन की आवाज सुनने में अच्छा लगता, पैरों के हवाले कर देता हमेशा अमीरुल मोमिनीन के हरम जाने के लिए इंसान कोशिश करता, यही तो होता ना, लेकिन दिल के हवाले क्यों किया। सुनेंगे वजह, अल्लाह ने अहले बैत की मोहब्बत को न आंख को दिया, न कान को दिया, न जबान को दिया, न हाथ को दिया, न दिमाग को दिया, कहीं नहीं रखा, दिल में रखा। वजह क्या है? देखिए, ये बदन में जितने भी पार्ट हैं सबका काम अलग अलग है। आप मुझे देख रहे हैं कहेंगे कि आंख देख रही है, ये नहीं कहेंगे कि कान देख रहा है, कहेंगे अच्छा आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, क्या आप कहेंगे कि मेरी जबान सुन रही है, कहेंगे आप नहीं कहेंगे आप, अच्छा दिमाग आपका, आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं समझ रहे हैं, क्या मेरा दिमाग समझ रहा है, मेरे हाथ समझ रहे हैं, आप नहीं कहेंगे। तो सबके काम अल्लाह ने अलग अलग रखे हैं, लेकिन पूरे वजूद में एक दिल है कि जिसका अपना काम सामने नहीं आता, बल्कि कैसे पता चलता है, अभी आप बच्चों सुनिएगा, आप जो दिल में होता है आंख उसी को देखना पसंद करती है, जबान उसी को बोलना पसंद करती है, कान उसी को सुनना पसंद करते हैं, हाथ उसी को करना पसंद करते हैं, पैर उधर जाना पसंद करते हैं। अब आप समझे, अल्लाह ने मोहब्बत अहले बैत को हमारे दिलों में इसीलिए रखा है कि जब मोहब्बत अहले बैत होगी आंख देखना चाहेगी, जबान बोलना चाहेगी, कान सुनना चाहेंगे, हाथ अमल करना चाहेंगे, पैर ले जाना चाहेंगे। दिल को इसीलिए दिया है ताकि पूरे वजूद को मोहब्बत मिल जाए। देखे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, मोहम्मद। आइए मैं अपने आका और मौला की बारगाह में चलूं। फरजदक का नाम आपने सुना है, फरजदक अहले बैत अतार के चाहने वाले नहीं हैं, वो तो आखिरी उम्र में अहले बैत के चाहने वाले बने, वरना फरजदक वो हैं कि जो हाकिम के दरबार के नज्म कहने वाले शायर हैं, जिनका काम यह है कि हाकिम के सारे कामों की तारीफ में शेर कहें। अहले बैत से कोई ताल्लुक नहीं है उनका, लेकिन देखें अल्लाह जब दिल में मोहब्बत रखता है तो कहीं भी इंसान रहता हो यह मोहब्बत सामने आ ही जाती है। यही मक्का मुअज्जमा है, बगदाद से एक कारवान आया है मदीने होता हुआ, और ये कारवान में उस वक्त हिशाम भी मौजूद है, यह अभी हाकिम नहीं बना है, लेकिन यह खानदान हाकिम का है, यह हाकिम का भतीजा है, यह भी हज करने आया है। अच्छा आप जानते हैं, जो लोग हज करने गए हैं, जब मजमा ज्यादा हो आप लाख कोशिश करें कि आप जाके खाने काबा तक पहुंच जाए, कोई एक भी अपनी जगह से नहीं हटेगा, हटेगा नहीं हटेगा। आप कुछ भी हो, हाकिम हो, हाकिम के भतीजे हो, आपके पास फोर्स हो, फौज हो, मुहाफिज हो, पुलिस हो, कोई हटने वाला नहीं है। हिसाब आगे बढ़ता है, मजमा ज्यादा देख के पीछे हट जाता है, फिर आगे बढ़ता है, मजमा उसको जगह नहीं देता, फिर पीछे हटाता है। यही कशमकश चल रही थी कि अचानक उसने देखा कि मजमा जो जरा सा भी हटने में तैयार नहीं था, वही मजमा अचानक हट रहा है। और अब जो उसने देखा तो अच्छे से पहचानता था, ये जालिम अच्छे से पहचानता था, देखा कि अहले बैत अतहार के परगजीदा इमाम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला खाने काबा की तरफ बढ़ रहे हैं, और सारा मजमा है जो हट के जगह दे रहा है। पूरी तवज्जो से सुनिए आप, बड़ा बुरा लगा, मेरे लिए नहीं हट रहे थे,
और इनके लिए हट गए। जब जाहिर है जब इंसान अंदर से गुस्से में हो और अपनी अपने लिए बेइज्जती महसूस करे तो क्या करता है, उसने बड़ी हकारत के साथ कहा कि मन हाजर रजुल, ये कौन है कि जिनके लिए मजमा हट गया। अच्छा, किसमें हिम्मत है कि जो इस जालिम हाकिम के भतीजे के सामने अहले बैत अतहार के इमाम का नाम ले ले, है किसी में हिम्मत? लेकिन अचानक देखिए, अल्लाह ने मोहब्बत को दिल में रखा है, अचानक यही जो दरबार का शायर है सरस्वत, वो अपनी जगह से उठा। आना अरेफ हूं, मैं पहचानता हूं इन्हें। अच्छा, तुम पहचानते हो, कौन है ये बताओ? कहा, ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, हादल्लदी तारिफुल बतहा बत अतहु वल बैत यारिफुहु वल हिल वल हरम। तू पूछ रहा है कि ये कौन है, इन्हें काबा पहचानता है, इन्हें मक्का पहचानता है, इन्हें मदीना पहचानता है, इन्हें तैबा पहचानता है, इन्हें अर्श इलाही पहचानता है, इन्हें इस्लाम पहचानता है। तुम पूछ रहे हो कि ये कौन है, तुम इन सबसे बाहर हो, सारा इस्लाम पहचानता है, तुम नहीं जानते हो। मोहम्मद वाले मोहम्मद पे इंसाफ से बताएं। मैं इन बच्चों से पूछता हूं कि अगर दरबार का शायर, देखिए एक जुमला आप लोग भी कहते हैं, इंसान जिनकी खाता है उन्हीं की गाता है, कहते नहीं कहते हैं? आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हो और अपोजिशन में कोई और कंपनी है, आप उसकी तारीफ नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। आप जब फरस्तक ने इमाम की तारीफ की तो अब क्या होना चाहिए था, उस हिशाम को क्या कहना चाहिए था? हिशाम ने फरस्तक को दरबार से निकलवा दिया। मक्के और मदीने के दरमियान एक गांव है, उस गांव में कैद करवा दिया। अच्छा, हमारे पास से लेते हो पैसा और तारीफ उनकी करते हो, जिंदा चले गए। गौर से आप सुनिए, फरस्तक ने इमाम को खत लिखा, मौला मैं जिंदान में हूं, मुझे आप आजाद करा दीजिए। मौला ने कहा मैं तुम्हारे लिए दुआ किए देता हूं। मौला ने दुआ की, फरस्तक आजाद कर दिया गया। मौला का कुछ कहना भी नहीं पड़ा, ये अजीब अहले बैत अतहार का अंदाज है, दुनिया भाग के जाती है सिफारिश करती है, अहले बैत अतहार ने सिर्फ इरादा कर लिया, हाकिम ने उस इरादे पे अमल करते हुए फरस्तक को आजाद कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूं, दुनिया वालों के सामने घुटने टेकने के बजाय अहले बैत अतहार से मांगो, वो अता भी कर देंगे, इज्जत भी बची रह जाएगी। फरस्तक आजाद हो गए, अब मदीने आए, मौला के पास आए, मौला आपने आजाद तो करा दिया है, लेकिन मुझे जो सैलरी मिलती थी, जिसको वजीफा कहा जाता है, मुझे जो सैलरी मिल रही थी दरबार से, वो बंद। मैं क्या खाऊंगा, कैसे रहूंगा, मेरे बच्चे कैसे जिंदा रहेंगे? मौला ने पूछा, यहां से फिर से तवज्जो दीजिएगा, मौला ने पूछा फरजख्त तुम्हें कितना मिलता था दरबार से? मौला मसलन आज की जबान में कहा जाए तो मसलन एक महीने में 10,000 रुपए, मसलन कह रहा हूं। मौला ने, देखिए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, अगर एक मसलन कह रहा हूं, एक महीने में 10,000 मिलता है तो एक साल में कितना हो जाएगा, 120, 1,20,000 है नहीं? अगर इसको 10 साल से और मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा, 12 लाख होगा, 10 साल और बढ़ा दिए 24 लाख होगा, 40 साल बना दिए कितने हो जाएंगे, 48 लाख। 48 लाख कोई छोटी मोटी रकम है? मौला ने फरस्तक को जो एक महीने में हाकिम से मिलता था उसको 40 साल के बराबर दे दिया, 40 साल के बराबर दिया है। और अब जब फरस्तक को देने लगे, मौला फरमाते फरस्तक ले जाओ, ये तुम्हारे 40 साल काम आएगा। और एक जुमला फरमाया, अगर मुझे पता होता कि 40 साल से ज्यादा तुम्हारी जरूरत है तो और दे देता। अच्छा, हम आप जैसे होते तो क्या सोचते,
कि शायद माज अल्लाह तुम्मा माज अल्लाह, मौला को पता नहीं है कि फरस्तक कितने दिन जिंदा रहेंगे। लेकिन फरस्तक का अकीदा सुनेंगे आप? फरस्तक ने इमाम से सुना और समझ गए कि अब मेरी कुल उम्र कितनी बची है, कितने साल बची है, 40 साल। इसीलिए अच्छा फरस्तक काफी बूढ़े हो गए, ये जिस वक्त उन्होंने वो शेर पढ़ा था तकरीबन उनकी उम्र 40-45 साल थी, 40 साल तक और जिंदा रहे, यानी तकरीबन वो 80+ हो गए। लोग कहते थे फरस्तक तो अब दुनिया से जाने वाले हो, कहते थे नहीं, गुलाम को भेजते थे, कहते थे जाओ देखो इमाम ने जो रकम रखवाई है वो कितने महीने की बाकी बची है। और जब मसलन पता चल गया कि 2 साल की रकम बची है, अपने साथ बैठने वालों से कहते थे मैं 2 साल और जिंदा रहूंगा। मसलन 2 महीने और बची, क्या बस 2 महीने बाद मैं दुनिया से जा रहा हूं, इतना यकीन था इमाम पर। वल महब्बा फी कुलूबिल मुमिनीन, अल्लाह ने मुमिनों के दिलों में मोहब्बत को रखा। और यही हुआ, 40वां साल आया और घर में रकम आखिरी महीने की इस्तेमाल हो रही है और इसी दरमियान फरस्तक दुनिया से रुखसत हो गए। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, दुनिया की तारीफ छोड़ दीजिए, अहले बैत अथार की तारीफ शुरू कर दीजिए, वो इतना देंगे कि पूरी जिंदगी काम आएगा। आपको फिर किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है, वो इतना उन्हें पता है कितने साल हमें रहना है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। इमाम की हयात तैयबा में जो सबसे बड़ा, बस मैंने खत्म कर दी बात, आखिरी मरहले में लेके आपको आ गया, इमाम ने मदीने तैयबा में एक बड़ा इनकलाब पैदा किया है, बहुत बड़ा। एक इनकलाब तो आपको पता है, ये दुआओं का सहारा, ये दुआओं का मजमुआ जो सहीफ़े सज्जादिया की शक्ल में मौजूद है, कि जिस मौके पे सैयद तंतावी एक बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं बरादरान अहले सुन्नत के, इसी मिस्र के यूनिवर्सिटी के डीन रह चुके हैं, उन्होंने आयतुल्लाह अल-उज़्मा मराशी नजफी को खत लिखा था, मैंने वो देखा है, उन्होंने वो खत लिखा था, उसमें लिखा था कि आप शियों के पास नहजुल बलागा के अलावा भी कोई मुतबर किताब है। आगा मराशी नजफी ने, ये मुश्तहिद थे, बुजुर्ग आलिम थे, उन्होंने सैयद तंतावी को सहीफे सज्जादिया भिजवा दिया। उनका जो मैंने वो लेटर देखा है, वो जो जवाब आया उसमें सैयद तंतावी ने लिखा कि मैं तो हैरत में हूं कि इतनी मेरी उम्र गुजर गई, मैंने आज तक सहीफे सज्जादिया को देखा क्यों नहीं था। इसलिए कि मैं जितना सहीफे सज्जादिया को पढ़ रहा हूं, मुझे महसूस हो रहा है कि अल्लाह के कलाम के पास ऐसी बातें इसमें लिखी हुई हैं कि जो कोई इंसान नहीं बयान कर सकता है। लिखा था कि मैं इसकी शर्ह लिखूंगा। यह है वो इंकलाब जो दुआ के जरिए से चौथे इमाम ने पैदा किया, लेकिन मैं उसके अलावा एक इंकलाब बयान करना चाह रहा हूं। बस यह आखिरी मरहला है, सुन लीजिए आप। आका ने अपनी हयात तैयबा में 5,000 गुलाम खरीदे हैं, 5,000, कोई मामूली बात नहीं है, 5,000 गुलाम खरीदे हैं। अगर 10-20 गुलाम हो तो घर में कितनी जगह होगी उनको रखने के लिए, कितनी जगह चाहिए? अगर मसलन 100-150-200 हो तो कितनी जगह चाहिए, कितने बाग चाहिए होंगे उनको रखने के लिए? तो इमाम आखिर इन गुलामों को कहां रखते थे? इमाम इन गुलामों को खरीदते थे, लेके आते थे, 4 महीना 6 महीना अपने घर में रखते थे और उनसे काम लेने के बजाय उन्हें दीन सिखाते थे, इस्लाम सिखाते थे, कुरान सिखाते थे, और उसके बाद उन्हें 4-6-8 महीने के बाद जब देखते थे कि एबिलिटी पैदा हो गई, उन्हें पैसा दे के आजाद फरमाते थे, जाओ मदीने में घर लेके तुम अपनी जिंदगी गुजारो, बस इतना करो कि जो इल्म मैंने तुम्हें दिया है वो मदीने वालों को सिखाओ। ये 5,000 इमाम के गुलाम हैं कि जो मदीने में इज्जत की जिंदगी गुजार रहे थे, बहुत बड़ी बात है। अजीब है,
दुनिया गुलाम लेके आती है अपनी खिदमत करना कराने के लिए, इमाम गुलाम खरीद के लाते थे उनकी जन्नत संवारने के लिए। ये जो पांचवें और छठे इमाम के दौर में मदीने में इतने शागिर्द हैं, उन शागिर्दों में आधे से ज्यादा वो हैं कि जिन्हें चौथे इमाम ने मदीने में आजाद किया था और वो अपने अपने घरों में रहते थे, पांचवें और छठे इमाम के तर्स में आकर बैठते थे। ये इमाम चौथे इमाम की हयात तैयबा का बड़ा नुमाया पहलू है। मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में, मैं क्यों ये जुमला कह रहा हूं, हमें भी इस पर तवज्जो देनी है। उस जमाने में जब इंसान नहा रहा हो, बाथरूम में हो, तो रनिंग वाटर नहीं होता था। उस जमाने में घरों में कुएं होते थे या मसलन एक हौज होता था, तो जब कोई नहा रहा हो तो उस कुएं या हौज से पानी निकाल के डोर में दिया जाता था ताकि इंसान अपने बाथरूम में हमाम में नहा सके। एक गुलाम है कि जो कुएं से पानी निकाल रहा है, डोर खुलवा दीजिए, और वो डोर से निकला हुआ पानी चौथे इमाम तक पहुंचा रहा है ताकि इमाम इस हमाम में इस्तेमाल फरमा ले। अब मैं आम लफ्ज में नहीं कहूंगा, आप मुतवज्जी हो गए, इमाम इस्तेमाल फरमा ले। मौला उस पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गुलाम लाके देता है, पर्दे के अंदर इमाम है, वो देता है और इमाम उस पानी को लेकर उसके जरिए से हमाम में है। अचानक वो एक डोर के जिसमें पानी लेके आ रहा था, पर्दे के उस तरफ इमाम है, गुलाम इधर है, अचानक वो डोर उसके हाथ से छूटा और इमाम के पाए मुबारक पे गिर गया। क्या होना चाहिए था? हम जरा सोचे, हमारे ऑफिस में अगर हमारा कोई प्यून कोई गलती कर जाए, चाय लेके आ रहा था, जरा सा छलक गई, मेरे पैंट पे गिर गई, क्या हश्र करेंगे हम उसका, क्या हाल करेंगे उसके, बताएं? डांटेंगे, टपटेंगे, झिड़केंगे, शायद बहुत से लोग तो हाथ ही उठा देंगे, होगा नहीं होगा। इमाम को जैसे ही ये दोष गिरा, उसमें फौरन उसी गुलाम ने वहीं खड़े खड़े कहा, फल काब मीन अल गैज, कुरान मजीद की आयत, अपने गुस्सों को पी जाने वाले। इमाम ने फरमाया, मैंने अपना गुस्सा पी लिया। वलहाफीन अनिन्नास, गुलाम ने उस आयत का अगला टुकड़ा पढ़ा, वलहाफीन अनिन्नास, लोगों को माफ कर देने वाले। मौला ने फरमाया कि जाओ, मैंने तुम्हें आप माफ कर दिया। कहता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, उस आयत का आखिरी टुकड़ा, क्या अल्लाह नेकियां करने वालों को पसंद करता है? मौला ने फरमाया कि जा, तुझको मैंने अल्लाह की राह में आजाद कर दिया। कुछ आपने गौर किया इस वाकये को मैंने क्यों अर्ज किया? सिर्फ एक बात समझाने के लिए, हम अपने घरों में अपने बच्चों को कुरान नहीं सिखा पाए और इमाम के बैतुल शरफ में मौजूद गुलाम कुरान मजीद के जरिए से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये असल अहले बैत यथार का किरदार है कि जिसको हमें अपनी जिंदगियों में इख्तियार करना चाहिए। आज हमारी मुश्किलात की वजह यही है कि हमने खुद को कुरान से दूर कर लिया। अगर कुरान हमारे वजूद में उतर जाता, मामूली बात नहीं है, जनाब सैयदा की कनीज ने 40 साल कुरान में गुफ्तगू की है, मामूली बात नहीं है। चौथे इमाम के गुलाम इसी मदीने तैयबा में लोगों को कुरान सिखाते थे। यह है अहले बैत यथार। आज की इस अजीम रात में और कल आने वाले दिन में हमें यह तय करना है, हमें अपने बच्चों को कुरान सिखाना है, हमें अपनी कम्युनिटी, अपनी कौम, अपने सारे माशरे को यह कुरान की तालीम देनी है। और बस मैंने खत्म कर दिया, कुरान सिखाइए, लेकिन नफ्सियाती बात है जो मैं अर्ज कर रहा हूं, इल्म नफ्सियात का कानून है। अगर किसी इल्म की मोहब्बत को, जुमले गौर जाया ना जाए तवज्जो दीजिएगा, अगर किसी इल्म की मोहब्बत बच्चे के दिल में पैदा करना है तो उस इल्म के स्कॉलर को इज्जत दीजिए। अगर चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुरान में अच्छा हो तो कुरान पढ़ाने वाले को इज्जत दीजिए। अगर हमारे बच्चे को यह पता चला कि हमारे दैदी
मैथ के ट्यूटर को 25,000 देने में तैयार हैं, और जब कुरान पढ़ाने वाला आया और पता चला कि वो 500 लेगा, कभी जरा उनसे बात करो 300 ले लें। बच्चे के दिल में किसकी मोहब्बत आएगी, मैथ की या कुरान की? ये नफ्सियाती बात है, इस पर तवज्जो दीजिए। हमें कुरान को अपनी जिंदगियों में इख्तियार करना है, और चौथे इमाम का ये पैगाम हम सभी को लेके अपने अपने घरों में जाना है। यकीन जानिए, अगर अहले बैत अतार की मोहब्बत और ये कुरान हमारे घरों में मौजूद हो, दुनिया की आंधियां हमारे कदम हिला नहीं सकती। बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए, हमारे एक हाथ में दामन अहले बैत अतार हो, दूसरे हाथ में कुरान हो, हम कभी जिंदगी में नाकामयाब नहीं हो सकते। एक दफा मिलजुल के आप सभी हजार सलवात भेज दीजिए। आज जिस अजीम शान इमाम की शबे विलादत है, आइए चलिए इमाम का वास्ता दे के अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करें। परवरदिगार इलाही बहक जहरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर المستودع فيها ان تصلي على محمد و آل محمد। परवरदिगार जिस अजीम शान इमाम की शबे विलादत है, उसी इमाम का वास्ता वारिस अहले बैत के जहूर में ताजील फरमा। परवरदिगार हम सभी को आखिरी इमाम के नासिरों में मददगारों में शुमार फरमा। आखिरी इमाम के रकात में हम सभी को शहादत नसीब फरमा। परवरदिगार शबे रहमत है, शबे बरकत है। खुदा रा जितने हाथ आज तेरी बारगाह में दुआओं के लिए उठे, उन तमाम दुआओं के लिए उठने वाले हाथों की तमाम दुआओं को कबूल फरमा। परवरदिगार जो बे औलाद हैं, उन्हें औलाद की नेमत अता फरमा। जिनके घरों में औलाद है, उन्हें नेक और सालेह करार फरमा। परवरदिगार हमारे घरों का माहौल इस्लामी माहौल करार फरमा। परवरदिगार चौथे इमाम की कब्र मुबारक जहां है, इस जन्नतुल बकी को आबाद फरमा। इस मुकद्दस बारगाह को वीरान करने वाली कौम पे अपना शदीद अज़ाब नाज़िल फरमा। परवरदिगार हम सभी को जन्नतुल बकी की ज़ियारत नसीब फरमा, और मैदान महशर में चौथे इमाम की शफात हम सभी के शामिल हाल फरमा। परवरदिगार इस्लाम और मुस्लिमीन को सरबलंदी अता फरमा। परवरदिगार कुफ्र और निफाक को सर निगू फरमा। परवरदिगार परवरदिगार जिन मुमिनीन ने दुआओं के लिए कहा है, खास तौर से आज की शब दुआओं के लिए कहा है, परवरदिगार इन तमाम मुमिनीन की दुआओं को कबूल फरमा। जो बीमार है, उन सभी को शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। जो मुमिनीन इस दुनिया से उठ गए, खुदारा उन तमाम मुमिनीन पे अपनी रहमत नाजिल फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً